यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश भर में विरोध देखा जा रहा है दरअसल एससी एसटी एक्ट को लेकर। जो बदलाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए हैं उसके विरोध में पूरे देश भर में विरोध देखा जा रहा है। बिहार और ओडिशा में ट्रेनें रोकी गई हैं, जबकि कई जगहों पे भारत बंद का असर भी देखा जाने लगा है। ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है जहां पर ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता कुमार रमेश फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन है और कितना असर अभी तक देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बात करें तो हरियाणा में काफी जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पंचकुला में विरोध प्रदर्शन होगा और वहां भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। यमुनानगर में विरोध प्रदर्शन होगा, वहां भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। और रोहतक में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और अगर बात करें तो कई जगह इलाकों में जहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब हरियाणा में है नहीं, तो शेड्यूल कास्ट का जहां पे बोलबाला है वो लोग अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने इसी संबंध में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती भी की है और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी पुलिस बल लगाया गया है। इसके साथ साथ यमुनानगर जिले में धारा 144 भी लगाई गई है और 5 से भी अधिक व्यक्तियों को एक साथ खड़े होने पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो इस प्रकार का जो है प्रदर्शन देखते हुए पुलिस बल और जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उनको लगाया गया ताकि किसी जगह भी कोई उपद्रव ना हो सके, क्योंकि पूर्व के समय में जिस प्रकार की घटनाएं घटी उससे प्रशासन जो है सचेत है कि इस प्रकार जो है आगे कोई इस पर घटना ना घट सके, इसीलिए धारा 144 भी लगाई गई। बिल्कुल कुमार रमेश, जिस तरीके से पंजाब में बस सेवाओं को ठप कर दिया गया है, मोबाइल सेवाओं को भी रोक दिया गया है, क्या इस तरीके का प्रभाव हरियाणा के भीतर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, फिलहाल शासन की नजर पूरी बनी हुई है कि किस कदर जो इनका जो आंदोलन है वो आगे चलता है। अगर इस आंदोलन में जरा सा भी इनको लगेगा कुछ स्थिति बिगड़ सकती है तो तुरंत मोबाइल सेवाएं रोक दी जाएंगी। लेकिन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अभी हरियाणा में नहीं रोकी गई हैं, हरियाणा में बसें जा रही हैं, जो बसें हैं बसें संचालन पूरी तरीके से चल रहा है। लेकिन कुछ बसों को जो है पंजाब के रास्तों में जाने से मना किया गया है और वो हरियाणा के इंटरनल रास्तों से होकर के जा रही हैं। अगर बात करें तो जो भी हरियाणा से बसें जो पंजाब के रूट से जाती हैं उनको लगभग रोक दिया गया है, उनको जाने नहीं दिया गया है। और ऐसे ही जो कुछ बसें जो दिल्ली वाया मार्ग से होते हुए जो चंडीगढ़ आती हैं वो बसों की संख्या कुछ कम की गई है ताकि एहतियातन तौर पर, ताकि किसी प्रकार की नुकसान ना हो सके। और इन्हीं को देखते हुए फिर भी बिल्कुल कुमार रमेश, जिस तरीके से माहौल बन रहा है वो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके का विरोध देखा जा रहा है। करनाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी समर्थन देने के लिए सड़क पर उतरेंगे। वहां पे क्या कुछ हालात है और किस तरीके से प्रदर्शन जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है, पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केसीआर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। केसीआर, क्या कुछ अपडेट है वहां पे और किस तरीके से करनाल में विरोध चल रहा है? दलित समाज द्वारा अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए लगभग 12 बजे करनाल में जो है प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी शिरकत कर सकते हैं, परंतु पुलिस व सीआईडी द्वारा काफी चौकसी बरती जा रही है और अशोक तंवर को जो लगता है उनको बाहर ही रोक लिया जाएगा, क्योंकि वो फिलहाल अभी कुरुक्षेत्रा में है। वहां पर जो दलित समुदाय द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें भाग ले रहे हैं और वहां के बाद जो है ना करनाल में यहाँ पर आएंगे, तो जो जानकारी अभी मिली है कि पुलिस उसको पहले ही अशोक तंवर को हिरासत में ले सकती है। और आज जो भारत बंद का जो ऐलान किया गया तो उसका अभी तक कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो ना बाजार बंद है ना ही कोई कार्यालय है। जो स्कूलों में छुट्टी होनी थी वो ऑटोमेटिकली बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, इसके कारण जो है स्कूल बंद है, परंतु जो भारत बंद का ऐलान है वो बिल्कुल बेअसर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कैथल में क्या कुछ स्थिति है, क्या कैथल में भी भारत बंद का कोई असर नहीं मिल रहा है? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कैथल में जो है एससी एसटी का जो विरोध लगातार जारी है, इसी को लेकर आज हजारों जो कार्यकर्ता है कैथल जवाहर पार्क में इकट्ठे हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन सरकार ने जो सरकार पर भी एक आरोप लगाए हैं कि जो उन्होंने इस एक्ट को लेकर जो पैरवी नहीं की, इससे साफ नजर आता है कि ये जो दलित विरोधी जो चेहरा है वो भाजपा सरकार का नजर आया है। जी अभिषेक। बिल्कुल राकेश, क्या बाजार में बंद का असर देखा जा रहा है, क्या दुकानें बंद है, क्या वहां पर गाड़ियां बंद है, क्या इस तरीके की स्थिति है कुछ? जी अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा बंद का असर कोई खास तौर से नहीं है। जो सरकारी इनके कर्मचारी हैं इस समाज के
उन्होंने जो छुट्टियां दी हुई हैं वही ज्यादातर जो है एकत्रित हुए हैं, वही विरोध प्रदर्शन ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन बंद का बाजार जो है लगातार मेरे काफी जो है वो खुले हैं। जी अक्षय, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। सुमित हमारे संवाददाता भिवानी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और आज बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी क्या इसका असर देखा जा रहा है, ये भी सवाल सुमित बहुत ही जरूरी है, क्या इसका असर, भारत बंद का असर बोर्ड की परीक्षा पे देखा जा रहा है? देखिए, भारत बंद का इस तरह का विषय कोई असर भिवानी में नहीं देखा जा रहा है, खासतौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि महज सिंबोलिक एक प्रतीकात्मक ज्ञापन दिए जाने की बात कही गई है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के द्वारा, इन संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा भिवानी में, उसके बाद ज्ञापन पत्र दिया जाएगा डीसी के माध्यम से सूबे की सरकार को, केंद्र की सरकार को, उसके बाद ये लोग विराम देंगे। हालांकि बाजार बंद जैसी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, तमाम संगठनों ने आह्वान जरूर किया था, उसके बाद भीड़ कितनी होती है ये देखने वाली बात होगी, लोग जो है भिवानी के नेहरू पार्क में एकत्रित होंगे, उसके बाद जुलूस की शक्ल में लघु सचिवालय जाएंगे, वहां पर जाकर ज्ञापन पत्र देंगे। इस बीच पुलिस के द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं, अगर भिवानी की बात की जाए, जगह जगह पर जो है पुलिस बलों की तैनाती की गई है, फोर्स तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरह से कोई ऐसी घटना ना हो जिसकी वजह से समाज में भाईचारा बिगड़े, और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद देखी जा सकती है, प्रशासन भी मुस्तैद है पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पहले ही पूरे अगर देश की बात की जाए भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी भिवानी की अगर बात की जाए महज सिंबोलिक ज्ञापन देने की बात कही गई है, प्रदर्शन किया जाएगा उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा। बिल्कुल सुमित, इसका मतलब ये है कि भिवानी के भीतर भी भारत बंद का बहुत ज्यादा असर देखने को मिल नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी देने के लिए। और रोहतक से, चूंकि रोहतक में राजनीतिक केंद्र और सत्ता रही कभी, वहां पर क्या कुछ असर है ये जानने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए रोहतक में, क्या स्थिति है सुरेंद्र अभी वहां पे, और क्या वहां से कोई सांसद दीपेंद्र हुड्डा या फिर भूपेंद्र हुड्डा कुछ समर्थन में कुछ कर सकते हैं? देखिए, जो अनुसूचित जाति अनुजाति जो अधिनियम में जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रतिबंध लगाया गया है उसमें एक्ट में, तो उसका लेकर आज तमाम जो दलित वर्ग है, जो समुदाय से जो संगठन जुड़े हुए हैं, उनका आज रोहतक में प्रदर्शन है। करीब ये 12 बजे लघु सचिवालय में अपना ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देंगे, और इनका यही कहना है कि जिस तरह से एक्ट में संशोधन किया गया है, इसमें जो अनुसूचित जाति है जनजाति है उन पे जो अत्याचार है उत्पीड़न के मामले और बढ़ेंगे, और सरकार से मांग है कि इस पर पुनर्विचार करे और इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दोबारा से डाले और इसमें एक कानून पास किया जाए, बिल पास किया जाए, और उसके तहत ही आगे इसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट। सुरेंद्र, क्या कुछ स्थिति है अभी रोहतक के भीतर, क्या बंद का असर देखा जा रहा है, क्या दुकानें बंद है, क्या वाहनों को ठप किया गया है? जी, रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में इस तरह का भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, लेकिन जो बाजार है वो सामान्य रूप से खुला हुआ है, बिल्कुल, और आज सीबीएसई की जो शिक्षा थी बोर्ड की, तो उसमें भी कोई असर नहीं हुआ है, और अभी इस तरह से नेट सेवाएं दूसरी जगह बाधित हैं, लेकिन रोहतक में जो मोबाइल इंटरनेट सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, मुख्यमंत्री का दौरा भी है, क्या कुछ इसका असर रहेगा, क्या विरोध करने वाले मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, उनका रास्ता रोक सकते हैं, तमाम सवालों का जवाब देंगे हमारे संवाददाता प्रवीण। क्या कुछ स्थिति है वहां पर और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन का असर देखा जा रहा है? मुख्यमंत्री का हिसार में दौरा है और दौरे यहाँ पर चौकीदारों का सम्मेलन है, और आज वो लगभग 11:30 बजे यहाँ पर हिसार में शिरकत करेंगे। इससे पूर्व SC ST के विरोध में लोगों में लोग इकट्ठा हो रहे, क्रांतिमान पार्क में एकत्रित होंगे और एकत्रित होके वो इसी के विरोध में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए कर लोग अभी क्रांतिमान पार्क में आने शुरू गए हैं, अब 11 बजे के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हरियाणा के यमुनानगर से, जहां पे धारा 144 लागू करने का ऐलान किया गया है, स्थिति को देखते हुए ताकि कानून व्यवस्था बिगड़ ना पाए, धारा 144 लागू करने का ऐलान किया गया है। और पंजाब की तरह क्या हरियाणा में भी स्थिति बंद की होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यमुनानगर में विरोध को देखते हुए और SC ST एक्ट में बदलाव को लेकर जो विरोध चल रहा है, उसके विरोध में धारा 144 लगा दी गई है, ताकि कहीं भी किसी तरीके की स्थिति डैमेज ना हो। हालांकि जो आप टेलीविजन पर अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो ओडिशा बिहार की है,
किस तरीके से वहां पे ट्रेनों को रोका जाने लगा है और विरोध की स्थिति तेज होती जा रही है। हालांकि हरियाणा में ज्यादातर अभी जिलों में इस तरीके का विरोध का जो असर होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। दुकानें अभी खुली हैं, वाहन अभी चल रहे हैं और इस तरीके से स्कूल चूंकि छुट्टी होने के कारण स्कूल बंद चल रहे हैं, इस वजह से भी असर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यमुनानगर में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को बनाया जा सके। बड़ी खबर आपको बता दें, यमुनानगर में धारा 144 लागू की गई है। कुमार रमेश हमारे साथ फोन लाइन पे लगातार बने हैं। कुमार रमेश, धारा 144 लागू की गई है यमुनानगर में, क्या बाकी के हिस्सों में भी इस तरीके से धारा 144 लागू करने की संभावना है? देखिए, फिलहाल तो यमुनानगर में धारा 144 लगा दी गई है और जो दलित समुदाय के जो लोग हैं, जो नेतृत्व करते हैं उनका, उनको नोटिस थमा दिया गया है। उसी नोटिस की एक कॉपी भी थी जिसमें साफ तौर पर उनको कहा गया था कि 5 से भी अधिक लोग जो एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे और कहीं भी अगर तोड़फोड़ कोई आग यानी घटना हुई तो उसके पूर्णतः जिम्मेदार आप होंगे। इस प्रकार का जो नोटिस है वो अलग अलग लोगों को थमाया गया है और ये बताया गया कि किसी प्रकार से आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप कोई विरोध नहीं कर सकते, 5 लोगों से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते। धारा 144 का यमुनानगर तक तो सूचना है कि यमुनानगर में लगा दी गई है, लेकिन अभी बाकी जगहों पर प्रशासन वेट कर रहा है, अगर स्थिति बिगड़ी तो धारा 144 का नोटिस वहां भी जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार रमेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार हरियाणा सरकार भी इस बात की कोशिश में है कि कहीं भी स्थिति ना बने और इसीलिए यमुनानगर में आगजनी को रोकने के लिए, तोड़फोड़ को रोकने के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू करने का जो आदेश था वो उन लोगों के हाथों में थमा दिया गया है जो लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। क्या हरियाणा के भीतर भी पंजाब की तरह स्थिति बनेगी या बिहार या उड़ीसा की तरह स्थिति बनेगी? बड़ी बात यह है कि हरियाणा सरकार ने यमुनानगर से धारा 144 लागू करने की शुरुआत कर दी है।